Hey guys, welcome back to my channel. So this is me, Shorupa, and आज के टाइटल से तो आपको जरूर पता चल ही गया होगा अब तक के आज हम लोग क्या आप करने वाले हैं. तो yes, we are doing a no makeup makeup look today जो मैंने ऑलरेडी कर लिया है. तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो एंड तक पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड जो लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर मेरे कंटेंट्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा. एंड मुझे तो जानते ही हो आप लोग, एंड बोल सकती हूँ अभी वीडियो देख लो. ओके, तो फर्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है कोई भी एक अच्छा सा प्राइमर. तो आज मैं स्विच ब्यूटी का रियल मेकअप बेस यूज़ कर रही हूँ. अभी हम लोग फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और वो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूंगी. अभी इसमें बच्चे से ब्लैंड करेंगे. अभी मैं मेबेलिन का फिट मी कंसीलर यूज कर रही हूँ. कंसीलर मैं थोड़ा सा पूरा एकदम यहाँ पे नहीं, पूरा डायरेक्ट नीचे नहीं अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा गैप छोड़ के अप्लाई कर रही हूँ मैं और इस पोर्शन में भी. अभी इसको हम लोग अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. और हमारा आजकल लुक जो है उन्होंने कप मेकअप है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कंसीलर का डिफरेंट और फेस का डिफरेंट कलर होते. तो जो लेफ्टओवर है हमारे इस ब्लेंडर में, इसी से हम लोग बाकी का फेस में थोड़ा सा डेवलप कर लेंगे. इसको सेट करने के लिए मेरे इस पैलेट में से जो ये जो शेड है इसको अप्लाई करूंगी अपने अंडर आईज पे. थोड़ा सा ही अप्लाई करेंगे क्योंकि आज हम लोग ज्यादा पाउडर का अप्लाई नहीं करेंगे. ब्लश के लिए मैं आज ये वाला लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, पिंक शेड में है. I'm sorry, मेरी बिल्ली यहाँ पे ब्लेंड ना कर. और इसको अभी हम लोग अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लेंगे. तो ये हो गया अभी हमारा ब्लश भी कंप्लीट. नेक्स्ट मैं थोड़ा सा अपने इस पोर्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करूंगी. इस कंट्रोल करने के लिए मैं मेरी सेम पैलेट में से जो ये चॉकलेट शेड है इसको अप्लाई करूंगी. इसको बस ऐसे कोई ब्लश ब्रश में थोड़ा सा मिलूंगी. एंड
फिर अभी मैं अपना ब्राउज करूँगी, तो आज मैं मिस कियारी का ये वाला पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड में है ये। तो फर्स्ट मैं अपने ब्राउज को अच्छे से ब्रश करूँगी। आईब्रोज अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट अभी मैं थोड़ा सा अपने आईलिड पे मतलब थोड़ा सा कोई भी न्यूट्रल कलर का शिमर एड कर दिया, तो मैं इस पैलेट में से जो कैसे दिखाऊं, तो ये वाला जो गोल्डन शेड है आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। मतलब समझ में भी नहीं आता है कि आपने कोई आई शेडो यूज़ किया भी है या नहीं, तो उस टाइप का ये शेड है। तो यही मैं थोड़ा सा अपने फिंगर्स पे लूँगी, थोड़ा सा बस अप्लाई करूँगी। आप समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने कोई आई शेडो अप्लाई किया है या नहीं, सब काजल अप्लाई करूँगी अपने अपर लिड्स पे। तो इसको बस ऐसे लेना है और बस अभी हो गया, हमारा काजल भी कंप्लीट हो गया है एंड मैं लॉयल लिश पैन पे कोई भी काजल अप्लाई नहीं करूँगी। नेक्स्ट मैं मैग्रीन का हाइपर कर्ल मास्कारा यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूंगी मैं। इससे ये हो गया हमारा आई मेकअप भी कंप्लीट, और हम लोग आज ज़्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कोई भी लाइट पिंक या न्यूड शेड अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पे। सो ये हो गया है हमारा नो मेकअप मेकअप लुक कंप्लीट, जिससे आप समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने कोई ब्लश अप्लाई किया है या कंटूर अप्लाई किया है। आई मेकअप भी मैंने नहीं किया है ज़्यादा, मतलब कोई मेकअप है पर फिर भी मेकअप नहीं है, तो दैट्स इट। सो अगर आपको मेरा आज का ये नो मेकअप मेकअप लुक पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जिन लोगों को मेकअप करना तो अच्छा लगता है बट करना पसंद नहीं है। लाइक अच्छा लगता है मेकअप बट नहीं हैवी हो जाएगा ऐसा कुछ अगर फील आता है जिन लोगों को, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी देखें कि नो मेकअप मेकअप लुक भी होता है जिसमें आप मेकअप करते भी हो बट लगता नहीं है कि इतना हैवी मेकअप किया है बोल के। तो दैट्स इट, अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके बताना आपको आज का मेरा ये लुक कैसा लगा। सो बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक।